आज हम मैचिस्मो बाइक का करेंगे केम, ये जो केम गियर होते हैं उसकी सेटिंग और टेपिट की सेटिंग। उसके लिए सबसे पहले पिस्टन टॉप पे होना चाहिए और यहाँ पर देखिए, जब पिस्टन टॉप पे रहेगा तो ये दो डॉट इस तरफ आ जाएंगे। तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि पिस्टन टॉप पे है कि नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से चेक कर लेना है अभी पिस्टन हमारा टॉप पे है। अगर टॉप पे नहीं है तो इसे घुमा के टॉप पे कर लीजिए, गियर में डाल के टायर घुमाएंगे तो भी हो जाएगा, या दूसरे भी तरीके से जिस तरीके से कर सकते हैं इसे टॉप पे कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में जब पिस्टन टॉप पे आ जाएगा तो ये जो दो डॉट दिख रहे हैं और यहाँ पर इसमें हमारे जो है एग्जॉस्ट के मॉल में दो डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों डॉट मिला लेना है, यहाँ से लगाना है और यहाँ पर इसे मिला देना है दोनों डॉट को इस तरीके से। दोनों डॉट मिल गए। उसके बाद में इधर हमारा इनलेट वाला जो है केम गियर, उसे भी लगा देना है। उसकी सेटिंग ये देनी है, दिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, एक पॉइंट रॉन्ग है। इस तरीके से दोनों आमने सामने होना चाहिए डॉट, देखिए, ठीक है। उसके बाद में अभी ये ढीले बहुत हैं, आराम से बाहर आ रहे हैं, तो इनको यहाँ से 13 नंबर से एडजस्ट करना है हमें। अंदर वाली पिन को थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे और ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा टाइट। इसके बाद इसे लॉक कर देना है हमें। अंदर वाला को पकड़ के ये पिन को और इसे ऊपर से लॉक करना है। उसके बाद इसे भी थोड़ा सेटिंग कर लेना है। आगे वाली पिन को हल्का हल्का सा टाइट करना है। इसको रोकने के बाद फिर इसे आराम से टाइट कर लेना है। और जब ये एडजस्टिंग में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा टाइट करके, अंदर वाली पिन को जब घुमाएंगे तो थोड़ा एडजस्टिंग में आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसे अंदर से पकड़ के पिन को रोक के और इसे लॉक कर देना है। और अब ये दोनों लॉक हो गए और ये अभी सेटिंग में आ गया, ठीक है। इसके बाद में उल्टा चूड़ी का है, इसे लूज करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और इसे हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो इसकी सेटिंग ज़्यादा फ्री भी नहीं होना चाहिए ये, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, देखिए इतना रहना चाहिए, ठीक है। अंदर बाहर होना चाहिए आराम से, और ऐसा आगे पीछे को भी ज़्यादा चाल नहीं होना चाहिए, देखिए, ठीक है। ये ओके हो गया। अब ऊपर हमें क्या करना है वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस पर दो सिम्स वाइसर डाल देनी है, ये वाली यहाँ पर, ओके। उसके बाद हमारे पास दो पुश रॉड हैं, एग्जॉस्ट और इनलेट। तो एग्जॉस्ट बड़ी वाली है, आगे की तरफ डाल देना है, और इनलेट छोटी है, पीछे की तरफ डाल देना है। तो ये मैं डाल के लेता हूँ यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली है इसे हमें आगे की तरफ डालना है, तो वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ।
ये पड़ गई, दूसरी वाली भी डाल दी, ये भी पड़ गई। उसके बाद हमारे पास है रॉकर, ये रॉकर यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए इस तरीके से आते हैं, ये जो पॉइंट है इसको इसमें बिठाना है। इस तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद में इसके बीच में वाइसर एक दे देनी है। ओके, तो वाइसर दे देता हूँ मैं, उसके बाद पिन ठोक के दिखाता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास एक ऐसा पिन होता है, उसको यहाँ से अंदर की तरफ हमें ठोक देना है पूरी तरीके से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से अंदर चली जाएगी पूरी। दूसरी वाली भी ऐसे ही लगा लेनी है, वो मैं लगा के ले लेता हूँ। देखिए इस तरीके से दोनों जो पिन हैं वो अंदर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हमें इस पर ऑयल, जो ये ऑयल पंप रहता है इसका बोल्ट लगा देना, जो सप्लाई रहती है ऑयल पंप की उसमें हमें बोल्ट लगा देने हैं। देखिए इस तरीके से कॉपर के वाइसर दोनों तरफ रहेंगे, और अब इसे पानी से टाइट कर लेना है। 22 नंबर लगता है, मैं इसे टाइट करके ले लेता हूँ। उसके बाद अब बचते हमारी डेबिट, तो डेबिट को हम यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। इसमें हमें लगेगा 13 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर पाना। तो पहले ऊपर हमें 13 नंबर को रोक लेना है यहाँ से, और 8 नंबर पाने को लूज करना है यहाँ से इस तरीके से। देखिए ठीक है, ये वाले को लूज करना है और ये टेपिट टाइट होती रहेगी इस तरीके से। इसके बाद चेक करना है, अभी लूज है ये, तो मैं थोड़ा और इसे टाइट करता हूँ। ये देखिए जितना हम 8 नंबर को लूज करते जाएंगे टेपिट हमारी टाइट होती जाएगी। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा टाइट हो गया, तो ये पोजीशन सही है। थोड़ी सी और लूज कर देता हूँ हल्की सी, ये पोजीशन सही है। उसके बाद यहाँ 13 नंबर को रोक लेना है और 10 नंबर से लॉक कर देना है वापस। और इस तरीके से इसे लॉक कर देना है। और ये एक टैपेट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरीके से फ्री रहेगा और ऊपर नीचे पिले नहीं रहेगी। ठीक है, अब बचा दूसरा वाला, तो इसे भी इसी तरीके से करना है। पहले ऊपर 13 नंबर को रोक लेना है और 8 नंबर को हमें लूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पर 13 नंबर रोक लिया, अब 8 नंबर को लूज करना है और टैपेट टाइट होएगी। देखिए इस तरीके से, अभी ये थोड़ा और चाहिए, और ये भी मैं हमारी हो चुकी है टैपेट टाइट से। अभी थोड़ी टाइट हो गई है, थोड़ी सी लूज करेंगे। ओके, और फिर बाद में 13 नंबर रोक के 10 नंबर को यहाँ से लॉक कर देना है। और ये इस तरीके से फ्री रहेगी और ऊपर नीचे पिले नहीं रहेगी। और ये दोनों टैपेट हमारी हो गई सेटिंग में, दिखाता हूँ। ये देखिए फ्री है और ऊपर नीचे को पिले नहीं है, ये भी फ्री है और ऊपर नीचे को पिले नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग हमारी करेक्ट है। ठीक है, अब मैं ये कवर लगा लेता हूँ और ये जो है टाइमिंग कवर लगा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर वाइसर चेक कर लीजिए, वाइसर डाल रखी है हमने, अब इसका कवर लगा देता हूँ। तो ये रहा इसका कवर, और इसको हमको यहाँ से लगा देना है।
वो मैं लगा के ले लेता हूँ। उसके बाद ये चार बोल्ट यहाँ पर बड़े होते हैं, लगा देना है इस तरीके से। ये 2 इंच के होते हैं और ये यहाँ पर चारों लगते हैं, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ। उसके बाद में ये जो बाकी के हैं ये 1.5 इंच के होते हैं ये वाले, और ये सब लगा के स्क्रू से टाइट कर देना है, स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं सब लगा के ले लेता हूँ। तो भी यहाँ पूरे स्क्रू लग गए और ये कवर लगा के मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैं डाल लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ बाइक को।